अहिवारा में आदिवासी गोंड समाज के लिए संरक्षित भूमि की जगह को कब्जा मुक्त करने और इसमें शामिल पार्षद एवं अन्य नगर पालिका अधिकारी और नेताओं के ऊपर उचित कार्रवाई करने को लेकर आदिवासी गोंड समाज के लोग नगर पालिका परिषद में लोकार्पण कार्यक्रम में आए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की गाड़ी से चिपक कर सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए, जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे वहां से उठने के लिए जोर जबरदस्ती किया गया और दबाव बनाए गए। साथ ही समाज के समर्थन में आए समाज के लोग व नगर के लोगों को वहां से हटाकर नजरबंद किया गया। उसके बाद भी महिलाएं वहीं बैठी रही, फिर अधिकारियों के द्वारा काफी मान मनोवल किया गया व उप मुख्यमंत्री से मिलाने की बात कही गई, जिसके बाद समाज के प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गए। अभी जो हमारे पीछे में जो लोग खड़े हैं, ये अहिवारा के आदिवासी गोंड समाज के लोग हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी आदिवासी समाज के हैं और जो आदिवासी समाज के हित के लिए आगे मतलब काम करते हैं। मगर अहिवारा में जो काम हुआ है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि विगत कई वर्षों से अहिवारा गोर ठाकुर समाज की मांग थी कि उनको एक भवन मिले। जैसा कि सभी समाज के लोगों के लिए यहाँ पे अब भवन बन चुका है, सबके भवन है, समाज का भवन का मांग था। तो समाज के भवन के लिए जो वार्ड क्रमांक 4 के जो पार्षद है भगवान दास, उनके साथ में ही समाज के लोगों ने जाके पहले नगर पालिका में आवेदन दिया था कि वो जो सरस्वती शिशु मंदिर का जो स्कूल है उनके बाजू में जो जगह है वो जगह को संरक्षित की जाए समाज के लिए। उसके बाद में उस जगह के लिए भगवान दास जी ने खुद अपने लेटर हेड में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय नटवर ताम्रकार जी को, उन्होंने रिटर्न में लेटर दिया था कि हमारी जो जगह है उसके लिए आप वहाँ पे सहयोग राशि प्रदान करें भवन बनाने के लिए। जिसके बाद में अध्यक्ष महोदय जी ने भी उस जगह को भवन बनाने के लिए कुछ पैसों की घोषणा करी थी कि वहाँ पे समाज का भवन बनना चाहिए। जिसके बाद समाज का वहाँ पे काफ़ी समय से एक जय बूढ़ा देव का भी बोर्ड गड़ा हुआ था, वो जगह रखी हुई थी, वो जगह सरकारी जगह है, शासकीय जगह है। और इसके बाद जब मैंने दो चार लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करी जो प्रभारी है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि भूमि आवंटन नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि चलिए भूमि अगर आवंटन नहीं हुई है तो वहाँ पे जब समाज का सालों साल से बोर्ड लगा हुआ था तो उस बोर्ड को फेंका क्यों गया? पार्षद महोदय ने अध्यक्ष महोदय से क्यों रिक्वेस्ट किया था फिर फंडिंग के लिए? अध्यक्ष महोदय जी ने फिर क्यों घोषणा करी थी वहाँ पे भवन बनाने के लिए? अब उसके बाद में अगर ठीक है वहाँ पे भवन नहीं बनता है तो वहाँ पे आज कोई असामाजिक व्यक्ति उस बोर्ड को हटा करके वो उस सरकारी जगह को क्यों घेर रहा है? देखिए, समाज की मांग है कि समाज के साथ में जो विश्वासघात किया गया है, समाज को जो आगे रख के उस भूमि को उन लोगों ने जो घेरा है, समाज चाहता है कि वो भूमि को वहाँ से कब्जा मुक्त कराया जाए। और समाज के लिए जो भवन बनना था जिससे आसपास के समाज को मतलब सार्वजनिक काम के लिए जो भवन उपयोग में आ सके, समाज की मांग वही है। समाज चाहता है कि वो कब्जा मुक्त हो, जो गलत काम हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है उसके ऊपर में कार्रवाई हो। धन्यवाद। उससे हमारी, हमने 2021 में वो आवंटित किए थे शासन द्वारा हमारे गौर समाज की भवन के लिए, उसमें अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे भवन का भूमि पूजन के दौरान हमने बोर्ड लगाए थे, पर अभी वर्तमान में वो बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिए हैं और अनावश्यक बाउंड्रीकरण कर दिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे आरक्षित जो भूमि है गौर समाज के भवन के लिए वो हमें मिल जाए, हमको ऐसा है। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या लेकर हम लोग गोंड समाज के भवन के बारे में हम लोग इधर आए हैं। आप लोग मीडिया वाले भैया से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम लोग की जन समस्या है, जैसे कि हम लोग की भवन भवन का जो है समस्या कि वहाँ हम लोग भूमि पूजन कराए हैं जमीन, उसमें कोई और कब्जा कर लिया है, वही 2021 में हुआ था और वहाँ पर भवन बनना था हम लोग का गोंड समाज का, उसी के लिए हम लोग मांग करने हैं। और जो हम लोग का जो भवन कब्जा किए उसके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करने के लिए आए हैं। बस जय बूढ़ा देव।